जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जसमीत कौर जो कि केजीएफ की वॉलंटियर हूँ और आज हमारी आवाज सीरीज की एंकर भी, और आज हम है कृति के घर। तो हम चाहेंगे कि कृति पहले हमारे पास आ जाए। और आज हमारे साथ है तरुण राठौर जी जो कि एक डायरेक्टर, एक्टर, यूट्यूबर एंड इंस्टाग्राम पे इतने बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे केजीएफ के को फाउंडर खुशाल सिंह खन्ना जी को। इन्हीं की वजह से हम स्पेशल चाइल्ड्स की कहानियों को आगे लेकर आ रहे हैं और इन्हीं की वजह से हमारी सीरीज चल रही है। और ये अपनी मॉम के, जिनका नाम ज्योति खन्ना है, अपनी मॉम के सपनों को आगे लेकर जा रहे हैं, उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। और अब हम कृति की मॉम को बुलाना चाहेंगे। हेलो कृति। हेलो। तो आज हम कृति के बारे में जानते हैं उनकी मदर से। ये कृति शर्मा है और ये एक डाउन सिंड्रोम बच्ची है। जब ये हुई थी तभी से मेरे हस्बैंड से थोड़ा वो होने लगा, क्योंकि बच्चे को वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि डाउन सिंड्रोम थी इस वजह से। तो उन्होंने हम दोनों को छोड़ दिया था इसी वजह से। और जब हमारे साथ भी रहते थे तब भी इसको छोड़ के आना, कभी पार्क में छोड़ देना, कभी मार्केट में छोड़ देना। तो आप कृति के जॉयफुल नेचर के बारे में हमें बताएंगे थोड़ा बहुत? हाँ, वो उसको डांस करना बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छे से रहती है घर में अपने नाना जी के साथ, नानी के साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत प्यार करती है। मुझे मेरे माँ बाप का बहुत अच्छा वो था, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से रखा, इसको बहुत अच्छे से रखा। और इसको बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स बनाना। और मैंने इसका एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है डांस के लिए, और इंस्टाग्राम पेज भी है। उसको ड्राइंग करना भी पसंद है और मतलब अपने आप सारे काम कर लेती है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पता चला शी डांसेस बहुत, एंड मैं अभी इनका चैनल भी देखूंगा एंड I'm very excited to see her and meet her and और भी जानना चाहूँगा इनके बारे में। It's very बहुत ही brave चीज़ है जो इनकी मदर कर रही हैं and she's an amazing child, I'm sure। अगर बात की जाए कृति के नेचर की, कृति बहुत ही अपने लिए सेल्फ मोटिवेटेड है, उसको किसी की और क्यों मोटिवेशन की जरूरत है। हमेशा हंसते रहना, जब भी मिलना बहुत अच्छे से मिलना। और कृति के नेचर में अलग सी चमक, अलग सी स्माइल है। और जब हम आंटी जैसे लोगों से मिलते हैं ना तो हमारा खुद का हौसला बढ़ जाता है, हमें लगता है ना हम लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने भी जैसे बीएससी, बीएड और एमबीए भी की है, बट मेरा अभी मोटिव अपने लिए नहीं है, मेरा किसी के लिए है कि मुझे इसको कुछ बनाना है, यही है। आप कृति की हॉबीज के बारे में, जैसे डांसिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है इसको, ड्राइंग, कलरिंग, सिंगिंग, सिंगिंग, लाइक सिंगिंग। तो आप अपना फेवरेट गाना कोई बताओगे हमें, कौन सा आपका फेवरेट गाना? कौन सा है? सुना दो थोड़ा सा। सुनो जल्दी सुनाओ। सुनाएंगे? सुनाओगे? नहीं। और क्या क्या पसंद है आपको? ड्राइंग भी? तो आपने कितने कॉम्पिटिशन किए हैं ड्राइंग में? ड्राइंग दिखाते हैं ना आप, प्लीज हमें इसकी ड्राइंग्स दिखा दो कृति की। कृति की ड्राइंग्स देख लेते हैं। ये कृति की ड्राइंग्स है जो कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बना सकती हूँ। बहुत प्यारी है कृति आपकी ड्राइंग्स, आपकी तरह बहुत स्वीट है। मैम आप हमें ये बता सकते हैं कि घर वालों का क्या रिएक्शन था आपके पेरेंट्स का? मेरे पेरेंट्स का तो अच्छा ही रिएक्शन था, मतलब वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए भी, वो ही कर रहे हैं, जो भी करना है वो ही कर रहे हैं। जो मेरे फैमिली मेंबर है वो बहुत सपोर्ट करते हैं, इसको भी अच्छे से केयर करते हैं, जो भी इसको चाहिए या जो भी है वो सारा कुछ वो ही कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से इसका ठीक है, जो भी इसको करना है वो होता है इसके लिए।
क्या लेकर आए हो कृति बताओ, हमें दिखाओगे प्लीज? ये कृति का सर्टिफिकेट है पार्टिसिपेशन का, जो कि इन्होंने इंटर स्कूल इवेंट रेनबो में किया था, आप देख सकते हैं। वेल डन कृति। थैंक यू। और भी है? और भी है, और भी है, बहुत सारे। आप बहुत 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 फॉर्चुनेट है कि आपको ऐसी मदर मिली। शी इज अमेजिंग एंड आप भी बहुत अच्छे हैं एंड शी इज वेरी लकी टू हैव यू, यू नो आप बहुत अच्छे हैं, आपकी मदर भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। हां एंड वी आर ऑल लकी टू हैव पीपल लाइक दिस। मुझको लगता है ये ना सब आपकी ग्रूमिंग पे होता है कि आपको किस तरीके से सिखाई जाती है चीजें। और सबके माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, ऑफकोर्स उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ना कुछ चीजें पास ऑन की जाती है जनरेशन टू जनरेशन। कुछ मतलब कि आपकी सोच एक तरीके से कंजर्वेटिव हो जाती है कि ये चीज करनी चाहिए, वो चीज करनी नहीं चाहिए, ये चीज सोसाइटी के हिसाब से एक्सेप्टेबल है ये नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें आ जाती है। तो उन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है हम लोगों को, और ओपन होना चाहिए कि अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो हो सकता है उसके बारे में मतलब थोड़ा सोचने की जरूरत है, ना कि अपने जवाब तैयार रखे जो लोग बोले जा रहे हैं आपको पहले से। तो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलना ये सिखाते आ रहे हैं हम लोग हमारे पेरेंट्स, बट हमें एक इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा नया देख रहे, कुछ अलग देख रहे, हो सकता है वो हमसे अलग हो लेकिन जरूरी नहीं वो गलत हो, तो उस चीज को एक्सेप्ट हमें एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैम कृति को फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, ये तो हम देख ही चुके हैं, बहुत जॉयफुल नेचर है, बहुत जॉली नेचर की है कृति। तो उसके फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पर घर पे खेलने उसके साथ? नहीं, उसके अभी यहाँ पे कोई नहीं है, जो भी फ्रेंड्स हैं वो उसके स्कूल के ही फ्रेंड्स हैं। स्कूल का भी? हाँ। दविश। दविशा का फ्रेंड है। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? थैंक यू सो मच सर, आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो इन बच्चों को, इन सितारों को जो बादलों के पीछे छुप गए हैं उनको सामने लाना चाहते हैं। इवन हमारी सीरीज भी यही चाहती है, जो बाकी पेरेंट्स हैं उनकी मदद हो सके। मैम लास्ट एक आपका मैसेज सोसाइटी के लिए क्या है? प्लीज मैम, मेरा मैसेज यही रहेगा सोसाइटी के लिए कि इन बच्चों को भी एक्सेप्ट करो, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही ये बच्चे होते हैं, ये भी सब कुछ कर सकते हैं जैसे नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं, वैसे ये भी सब कुछ कर सकते हैं। तो इनको एक हीन भावना से नहीं देखना चाहिए सोसाइटी को, सोचना पड़ रहा है कि हम इनको कहाँ पे ले जाए, कहाँ पे इनको सेट करें, ये मतलब किस उसमें हम ले जाए इनको, तो हम लोग उनके लिए एक ऐसी स्पेस खोलना चाहते हैं जहाँ पे बच्चे आए कुछ सीखे रहे, ताकि इन बच्चों को ना आने, बहुत सारे बच्चे हम ऐसे अक्सर मिलते हैं जो ट्वेल्थ के बाद इस टाइम पे डिप्रेशन में, ठीक है, तो वो फेस करने को और किसी बच्चे को ना मिले तो हम इस तरीके की स्पेस के लिए अपील करते हैं, तो उसके लिए आप सबके सपोर्ट की जरूरत होगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो में जुड़ने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।